बाइक में जा रहे? फटाफट जाएंगे, फटाफट आएंगे। ओके, वेयरिंग माय न्यू हेलमेट एक्सोरबैनम सीरीज, बहुत टाइट है यार, लेकिन अभी 2XL है, सब हंस रहा है मेरा, सुबह सर की नसें फटने लगी। इजन हो जाता है विद टाइम, बट अभी नया नया है ना, अभी ब्रेक इन होगा, मैं हर्षल की भाषा यूज करने लगा हूँ, ब्रेक इन। चल चले। यस। हाउसकीपिंग का बेचारा लड़का भी एक ही रह गया, तो आधा काम हम कर रहे हो, देखो वो बर्तन लेके जा रहा है, अभी डांट खाए मुझसे सब, सब 50 जने पालतियां मार के बैठ गए, कोई मदद नहीं कर रहा उस बेचारे के, देख पागल हो जाएगा बेचारा अकेला। ये साफ है प्लेट नीचे वाली, ये धोने की है, ये रोटी जुली को डाल दे दूध के साथ थोड़ी, इससे भी ले ले बर्तन, चल आ जा। बाय द वे गाड़ी जा रही है उड़ीसा कार्गो से। कार्गो से जा रही है। मैं सच्ची में होप कर रहा हूँ कि हमारे फ्रेंचाइज मॉडल से लोगों को ईज मिले, या नॉट जस्ट उनको जो बिजनेस में घुसना चाहते हैं, बट ऑफ कोर्स ऐसे भी लोग जो क्वालिटी काम देखना चाहते हैं, कराना चाहते हैं अपनी गाड़ियों पे, उनको भी आराम मिले, सुकून मिले जान के कि हम उनके घर के पास आ गए ना। आते मैं आज सुबह भी जब हेलमेट पहन के आया ना, मेरी विजन डिसोरियंट हो गई थी, ऐसे खुल गई थी आंखें, जैसे सीधा दिखता ना अभी, कोई एक ऐसे जा रही थी एक ऐसे जा रही थी, खींच लिया ना उसने पूरा ऐसे डालते हुए सर के अंदर, पूरा सर ऐसे खींच लिया, अभी भी मेरा वही हाल हुआ हुआ है यार। एक ट्रिपल XL साइज का बना दे यार हेलमेट यार। मधुमक्खी तो नहीं थी, इतना मैं शोर हूँ, ये हेलमेट ना जब से पहन रहा हूँ तब से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मुसीबतें दे रहा है मुझे, अभी कहाँ गई है भगवान जाने, कहीं अंदर फड़फड़ा रही होगी कहीं। चलो ठीक है, रिस्क लेते हैं, अभी क्या है, अबे पहनना ही पेनफुल है, ऐसा लग रहा है जिम कर रहा हूँ मैं, एकदम ऐसा मक्खी आके यहाँ करी ऐसे। और अपना शर्ट, ओ भाई ये तो बनना भी शुरू हो गया, हफ्ता हुआ है मुझे आए हुए, इतना काम खिंच गया बता। हाँ यार देखो ना, मैं वही सोच रहा था, अभी तो प्लान देखा था हमने पिछले ब्लॉग में। हेलो बाबू भाई, हाय कैसे हो? सॉरी मैं आपका फोन नहीं उठा पाया आज सुबह, जाऊं क्या ऊपर एक बार? अभी ये जो आउटर साइड्स को जो आएगा आपके वॉल्स, तो वो तो 60 फीट के ऊपर नहीं बनेंगे, क्योंकि पीछे से फिर पतरा आएगा। हाँ और अभी ये जो वॉल है वो इसको कितना हाइट तक पे रखना है, और इसको आपको पतरे से क्लोज करना है या आप ओपन रखने वाले हो, एक दो चीजें फिर कंफर्म हो गए ना वही हिसाब से। नहीं उसको ऊपर तक क्लोज करना है, वो रूम जो है वो पूरा इनक्लोज चाहिए वो वाला कमरा। कैसे लगा? एकदम बढ़िया, हम एक सवा घंटे के अंदर आ भी गए। हाँ। अभी बन जाएगी, मस्त मजा आएगा बहुत। मारुति के पार्ट्स मिल गए, हेडलाइट छोड़ के बाकी सब आ रहा है, तो निंजा आ जाएगा, बम्पर आ जाएगा, तो अलाइनमेंट करके पेंटिंग में डाल देंगे, हेडलाइट देखेंगे, अभी आपके मार्केट में ढूंढना पड़ेगा, मारुति में तो है नहीं अवेलेबल, पहले वाला ही बाहर से मंगाया था हमने। आपकी और मारुति की कलर मैच हो रही है? हाँ ना, ये फेंडर अभी भी अंदर है, थोड़ा एक बार बम्पर आ जाएगा तो उसके हिसाब से अलाइनमेंट कर लेंगे। बाकी ये भी मिल गया है, इसके इंजेस मिल गए, अलावा इसका रबर का बिडिंग मिल गया, विंडशील्ड का बिडिंग मिल गया, सिर्फ हेडलाइट नहीं मिला, हैंडल का एक बार अपडेट लेना पड़ेगा, हैंडल शायद मिला है नहीं मिला है, नहीं भी मिला तो वो कर लेंगे रिपोर्ट। अच्छा वैसे गणेश सर अपने आज कुर्ता की पहले? आज गुड़ी पड़वा है, महाराष्ट्र लोगों का न्यू ईयर, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी न्यू ईयर। हैप्पी गुड़ी पड़वा। सुबह तुम्हारा अपन गुड़ी पड़वा। क्या एक्टिंग है, क्या एक्टिंग है। हैप्पी गुड़ी पड़वा टू एवरीवन, नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना, कॅप्शन मध्ये मराठी भाऊबंधांना।
दिमाग खराब हो गया यार मेरा, काम नहीं हो रहे यार खत्म। वो कुछ शॉपिंग किया, वो कपड़े चेंज करके आना है, मम्मी के रिंग ठीक होने देनी है, जो हमारा नया वर्कशॉप है वहाँ पे कुछ कुछ डिसीजन पेंडिंग है वो उसको बना के भेजने हैं, 4 बजे पापा का डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट, उनका दांत का रूट कैनाल का वो होना है, फिर इधर आके यहाँ कस्टमर्स को हैंडल करना हो गया, तेरे साथ वो होंडा का स्कूटर दिखाने जाना था, एक्सयूवी की वीडियो की ओपनिंग देनी थी। स्कूटर यार बड़ा, तुम एक बार ऑन करके देख लो, तुम खुद समझ जाओगे, ये होंडा नहीं राघव भाई, सुजुकी। हाँ सुजुकी, सॉरी, अरे जापानीज है ना यार, अभी क्या बोलूं। वो डबल स्टैंड पे डाल के रखना। मंजर तो खुद का बहुत डेंजर है, इसको चला के जाना बड़ा मुश्किल है, रखते से फुल स्पीड पे ही शुरू हो रहा है वो। नहीं दिखा देते हैं इसको, तुम पीछे नहीं ले पाओगे अगर चालू कर दी तो, रिवर्स नहीं ले पा रहे, बहुत पावर है उसमें, तो तुम पीछे लेकर तुम ऐसे एडजस्ट कर लो कि तुम रेडी रहो टेक ऑफ, मतलब अपना। चल इसको देकर आए फटाफट, एटलीस्ट एक तो अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। तो ना ओवर एग्जैजरेट कर रहा था ना तू, प्रॉब्लम है मैं समझता हूँ, बट इतना भी एग्जैजरेट नहीं करते ना। और कल तो मैं चला के देख रहा था, ऐसे हवा में उड़ रही थी, ब्रेक मार रहा था, ब्रेक नहीं लग रही थी। राघव भाई तुम्हारी वेट के, मैं तो हल्का फुल्का मुझे लेके चली जाती हूँ। ये लिखो, अभी वेट है ना हम दोनों, एक काम तो हो जाएगा, चलो एक एक करके निपटाते हैं यार सब। सर जी नमस्ते, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, दिखाने के लिए मेरे को उतरना ही पड़ेगा गाड़ी। गाड़ी पूरी रेस मार रहा है, तो खड़े चक्के में 80-85 की स्पीड जा रही है। देखा मैंने कहा था वो पीछे चली जाती है, डांस कर रही है पूरी ऐसे। गर्मी यार, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ, फिर भी ठंडक है। बैटरी जो है वो खड़गड़ 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 करता रहता है, इसलिए किक मारना पड़ता है बार बार। दूसरा बैटरी लगा के देखा? नहीं। देखा अब नॉर्मल कितना अच्छा लग रहा है। बैटरी बदल के आए क्या? चलो ये सेट कर दो, मैं एक बार बत्ती करा के लाता हूं, फिर मैं फ्राइडे को आपके पास गाड़ी छोड़ता हूँ, एक ही साथ सारे काम रिजॉल्व कर दो। मतलब अभी हम नॉर्मल चला सकते हैं? हाँ, ये थ्रॉटल बॉडी है, इधर इंजेक्टर है। हाँ, वो सर्विसिंग टाइम पूरा खोल के क्लीन करना पड़ेगा यार। सर्विस में ना सिर्फ इंजन ऑयल और ये नहीं होता है यार, 10 और चीजें होती है। बैटरी है देखिए अंदर, मैं पैनल खुलवा के लाया हूँ, अगर आप बदल देंगे तो। जो वो थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही है गाड़ी, अभी मैं उसको सेटिंग करवा के लाया, उसकी रेस पकड़ रहा था पूरा, खड़ी खड़ी पे 80 की स्पीड जा रही थी, वो स्टार्टर भी नहीं ले रही है बहुत टाइम से, तो मैं सोचा बदली करवा ही लेता हूँ। मैं आपसे बहुत काम करवाया है, मैं तो सिर्फ आपको रील्स पे देख रहा हूं। नहीं मैंने आपसे बहुत काम कराया, मैं अपनी रैपिड की बैटरी आपसे चेंज कराई थी। सामने सामने ऐसी मुलाकात हुई नहीं, क्योंकि मैं जब से रील्स देख रहा था मेरे को याद है कि नहीं, मैं मिला हूं ना आपसे, मैं मिला हूं। बैटरी तो भी, क्या प्राइस क्या है इसका बैटरी का? आपको जाता है 1050 प्राइस है। okay. जो रेटिंग आता है दैट इज 83, योर बैटरी इज मेजर 35। अभी भाई हम लोग न्यू बैटरी का निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मेजर आएगा ये 86 से ऊपर ही जाएगा। ऑलमोस्ट okay, उसके बराबर भी आता है, तो या तो चार्जिंग स्लो हो रहा है गाड़ी का, क्योंकि वो प्लस में ही चाहिए। चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन होता है? उसमें फिर यहाँ पे लिख के आता है टेस्ट एंड रिचार्ज, फिर वो वोल्टेज ही ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, तो वोल्टेज सही आ रहा है? वोल्टेज सही है। नहीं आया, अंडरस्टूड, वो बहुत टाइम से पेंडिंग था, एक बार तो हमने बीच में खोल के भी देखी थी याद है तेरे को, हमने सोचा था क्या ऐसा पार्ले जी का बिस्किट जितनी तो बैटरी है उसकी। सो आई हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आप मानोगे नहीं, मैं जाकर दिखाया था तो उन्होंने बोला सर ऐसा ही होता है। माय ब्रदर लाइक टुक देम लेफ्ट राइट एंड सेंटर, गाड़ी खरीदा है तुम बोल रहे हो ऐसे ही चलेगा गाड़ी, क्या ना लोगों को पागल बनाते रहते हैं हर चीज। बट आई पर्सनली बिलीव लाइक स्कूटर रेंज में ना सबसे बढ़िया गाड़ी है। ब्रांड है हमारा, उसका हमने बैटरी चेंज किया था 2 वीक्स बैक, वो कल उसका कुछ सेंसर्स का इशू आ रहा था, ये वेंट टू शोरूम, वहां से उनका बंदा बोलता है कि सर बैटरी इसमें सही नहीं लगा हुआ, दिस इज नॉट द रिकमेंडेड बैटरी। एक काम कर भाई, मुझे पेपर पे लिख के दे, कंपनी पे केस ठोक देता हूँ। तो ये सर नहीं नहीं मैंने ऐसे बात ही नहीं करी, बोला आप कौन सी बैटरी बिठा रहे हो, तो उसने वही मॉडल बताया जो मैंने उसको बिठाया, क्या दिक्कत क्या? हाँ। नहीं सर वो कवर लगा था इसलिए मैं ऊपर के ऊपर जजमेंट दे दिया यार, इतना यार तुम लोग बेवकूफ बनाते हो। नहीं इट्स वेरी बैड, सर्विस में प्रॉब्लम ही ये इंडस्ट्री में दैट वन वुड ऑलवेज ट्राई टू डिमिनिश द अदर पर्सन, एंड वो बोले गई थी उसने काम गलत किया, चाहे उसकी गलती होगी। सर स्टार्टेड यू नो मेकिंग पीपल अफ्रेड की बाहर मत कराओ, ये करा दोगे तो सेंसर आ जाएगा, लॉक हो जाएगा गाड़ी, देन यू हैव टू पुट द लैपटॉप, 5,000-10,000 ऐसा खर्चा आता है। मोस्ट ऑफ टाइम्स यू हैव सीन किया टेलिंग हिम कि दिस इज नॉट द बैटरी फॉर योर कार, प्रॉब्लम क्या है सर? ज्यादा ईमानदारी दिखाओ ना तो कस्टमर को लगता है कि हम लोग प्रॉफिट ज्यादा देख रहे हैं। सही बोल रहे हो। मार्केट में निकलो, लोगों से बात करो तो समझता हूं मार्केट के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। मुझे आपसे एक बात समझनी थी, जब आप बायबैक वगैरह करते हो कोई बैटरी, तो बैटरी का होता क्या है? रिटर्न कंपनी जाता है सर, लेट
सिलेनियम एंड प्लास्टिक, ये तीनों रिसाइकल होके अगेन ये रीयूज होता है, लेट इज लाइफ टाइम रीयूज है, उसको बस रिफाइन करना पड़ता है, दे पुट इट टू दैट, सो इट्स ऑल रीयूज ना, पूरा केमिकल्स डाल के अगेन उसको प्योर, या वो तो है, देन अगेन द स्टार्ट। आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि जब बैटरीज निकल जाती है तो जाती कहां है, क्या करते हैं, डिस्पोज कैसे करते होंगे यहां पे, तो अभी हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का तो सर्टिफिकेट हम लोग को मैंडेट है, वी कैन नॉट डिस्पोज इट एनीवेयर, कि अगर कहीं, मैं देख रहा हूं ना आपने रखी हुई है यहां पे, ये अभी कैंप ये सब जाएगा, सब कंपनी ही जाएगा, वेरी नाइस। यू डील ओनली इन एक्साइड? नो, वी डील इन एक्साइड एमरॉन, मोस्टली ऑल द ब्रांड्स, आज के डेट में कस्टमर के चॉइसेस अलग हो गए, जो एक्साइड से खफा है वो एमरॉन पे जाता है, जो एमरॉन से खफा है वो एक्साइड पे जाता है। प्रोडक्ट सर्विस दोनों इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अभी टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां इतनी बिक रही हैं, दो दो साल वेटिंग चल रहा है, आप मानोगे नहीं, मेरे पास गाड़ियां आती हैं, किसी की बिडिंग निकली हुई है, किसी में डेंट पड़े हुए हैं, किसी का दरवाजा मिसअलाइंड है, किसी का बंपर खुला हुआ है। अभी जस्ट अभी मैं नीचे देख कर आया हूं, मैं क्लाइंट से बात कर रहा था, लेजेंडर थी उनके पास, लेजेंडर का बंपर अंदर है, 55 लाख 58 लाख की गाड़ी खरीद के उसका बंपर मिसअलाइंड मिला, उसे पता, वो पीपीएफ करवाने आया मेरे पास और उसने नोटिस भी नहीं किया। नहीं होता क्या है, फिर वो बाद में ब्लेम हम लोगों पे आ गया, कस्टमर लीव्स इट और आते हो, अगर वो कैच में आ गया। मेरे यहाँ तो इन्वेंटरी बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे यहाँ 3 घंटे 2 घंटे लेके लड़का इन्वेंटरी लेता है, एक एक स्क्रैच, एक एक इलेक्ट्रिकल आइटम चल रहा है नहीं चल रहा, एग्जैक्टली कहीं पे टायर पे कोई व्हील पे स्क्रैच तो नहीं है, कहीं कोई डोर पे पैनल पे कोई डेंट तो नहीं है, स्क्रैच तो नहीं है, एक एक चीज चेक करते हैं। बाद में वही चैलेंज हो जाता है, सर आपके इधर ये प्रोसीजर जो है परफेक्ट है, गाड़ी के साथ आया था नहीं, कंपनी इतना अच्छा वाला मेटल कभी दे ही नहीं सकती। This is outside sale. OEM सर, OEMs पूरा ब्लैक आता है, वो सिर्फ 18 मंथ्स का आता है, ये 36 मंथ्स का है। अच्छा, तो ये बैटरी अभी चार्ज्ड होती है ना, रेडी टू यूज है, अभी तुरंत आप लगाएंगे तो चालू हो जाएगा। अरे यार, बहुत दिन से परेशान कर रही थी यार गाड़ी, बैटरी जो थी बहुत टाइम से पेंडिंग थी रिप्लेस करने को, हमने रिप्लेस करा दी है। अभी एक छोटा सा इशू है कि वो उसको थोड़ा सा ओवरचार्ज कर रहा है, बट उसका रीजन ये भी हो सकता है कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन नहीं है, जिस वजह से वो खींच रहा है ज्यादा थ्रॉटल और उसको ओवरचार्ज कर रहा होगा। तो फ्राइडे को इसको पहले सर्विसिंग में डालेंगे, बेसिक्स जो प्रॉब्लम है वो सारे जो इंटरनली इंजन के हैं वो सारे क्लीन करा के रिजॉल्व कराएंगे, फिर एक बार इनके पास शायद टेस्टिंग के लिए लाएंगे देखने को कि सब ठीक है के लिए। अब हम सिग्नल पे स्टैंड डबल स्टैंड लगा के किक नहीं मार रहे होंगे सर। थैंक यू सो मच, मैं एक बार वो करा के फिर आपको बोलता हूँ, ठीक है? थैंक यू, चले? यस। गली गली में फिरता है तू, क्यों बन के बन जा रहा मेरे आशिक आवा। मजा आ गया। अरे यार सही, यार छोटी छोटी चीजें होती हैं, इन चीजों के लिए टाइम नहीं बन पाता, और मैं जेन्युइनली बोलूं मेरे पास आज भी टाइम नहीं है, देखो बहुत सारे काम पेंडिंग है, बट क्या होता है कोई एक छोटा टास्क कंप्लीट हो जाता है ना, बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है यार, कि यार चलो एक काम मैंने निपटा दिया। तो तुम जब शाम को बैठोगे और अपनी टू डू लिस्ट चेक करोगे, जो लोग नहीं बनाते हैं वो बनाया करो, मैं भी ऐसा बनाता नहीं हूँ, मेंटल टू डू लिस्ट रखता हूँ, तो जो लोग टू डू लिस्ट चेक करेंगे शाम को बैठ के, तो उनको ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलेगी यहाँ कि मैंने ये 2 काम 3 काम कंप्लीट, वरना हर चीज 20% 30% 20% 30% होती है। क्या लगता है हम ग्रीन लाइट जा पाएंगे? ओ का माझी वाट बघतो है ही धूप मध्ये सावले चालू ना त्यासाठी। ओ माय गॉड, बैटरी चेंज करा ली इसकी, खत्म हो गई। अब ये नहीं, ये तो तूने भी एक्सपीरियंस किया होगा। स्वैग।